हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ सपोर्ट मटेरियल चैप्टर वन का अभ्यास परीक्षा का प्रश्न नंबर दो जो है वह हल करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूँ कि आपकी क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपके सामने प्रश्न है। पहले प्रश्न का सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया है और थोड़ा इसमें जो है वीडियो फास्ट थी, तो आप उसे स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक, तो इसमें हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। और इससे पहले इसको जो करने का दो दो तरीका है। ठीक, तो पहला तरीका ये है कि ये वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन जो है उसको पहले आप इनका वर्गमूल निकाल लो दोनों का, और फिर उन दोनों के बीच कंपेयर करके निकाल लो। और दूसरा तरीका जो है वह भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा तरीका थोड़ा आसान और शॉर्ट है, तो आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। और इससे पहले अगर आपको वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन ये सब बहुत जगह आपको निकालने के लिए काम आएगा, और उसका सही तरीका क्या है उसमें मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। विभाजन विधि जो है उसका सही तरीका होता है, मतलब विभाजन विधि के द्वारा हम वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन का आंसर निकाल सकते हैं। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर होम पेज पर, यूट्यूब के होम पेज पर मिल जाएगा। ठीक, मेरे चैनल के यूट्यूब के होम पेज पर मिल जाएगा। तो चलिए, सवाल है वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सवाल लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, दो और वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो है वर्गमूल निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। ठीक है, ऐसे डिवीज़न मेथड से निकालते थे ना, तो वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार निकालोगे आप तो 1.414 ऐसा समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक, ठीक है, और फिर वर्गमूल तीन का निकालोगे तो इसका उत्तर आपको पहले भी उसमें ही दे रखा है। देखिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में नहीं, चौथे क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि वर्गमूल तीन का आंसर 1.732 है। ठीक है, ठीक, तो 1.732। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पहले देखो एक दोनों बराबर है तो इन दोनों को तो छोड़ देना है। ठीक, अब इससे आगे वाले में क्या करना है कि चार और सात यानी कि चार से ज़्यादा और सात से कम आपको एक संख्या सोचनी है। ठीक, तो चार से ज़्यादा पाँच और सात से कम भी है, तो फिर हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बीच एक परिमेय संख्या होगा 1.5, और इसके आगे आप जो मर्जी वो लिख सकते हो अपरिमेय संख्या। और वो मतलब एक पैटर्न में नहीं होना चाहिए, मतलब वो अलग अलग प्रकार से जो मर्जी हो, ठीक, अलग अलग संख्या आना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक पैटर्न के रूप में ही बना देता हूँ लेकिन अलग अलग से दर्शा देता हूँ। देखिए 0, फिर 5, फिर 1 और 2 0, फिर 5, 1, 2, 3, 0, तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या वही होती है ना जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये बार बार रिपीट हो ही नहीं रहा तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसके बीच की एक परिमेय संख्या। एक और सोच लेते हैं, 4 से ज़्यादा तो 6 हो जाएगा और 7 से कम भी है तो 6, तो इसका एक और परिमेय संख्या हो जाएगा 1.67893, जो मर्जी हो लिख दो इससे आगे। बस आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है पहले वाले अंक पर जो है, इस पहले वाले अंक पे आपको बस ध्यान रखनी है, और इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नो डाउट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो आगे। ठीक, और तो ये हमारा दो हो जाएगा, ये हमारा हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है एक फॉर्मूला होता है कि r+s/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मतलब कोई परिमेय किसी परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए, परिमेय या अपरिमेय संख्या निकालने के लिए ऐसे मतलब पहले परिमेय को और दूसरे परिमेय या अपरिमेय जो भी संख्या हो, पहले वाले संख्या को और दूसरे वाले संख्या को जोड़ के और दो से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा। ये वाला ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा आसान है, तो मैं चाहूँगा आप यही वाला अपनाइए। और ये जो है इससे रिलेटेड सवाल एक पेपर में एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आर यानी कि एक पहला वाला यानी कि वर्गमूल दो, तो हम लिख देंगे वर्गमूल दो जमा में एस यानी कि एस को हम तीन मान लेते हैं तो वर्गमूल तीन, और फिर बटा में जो हो जाएगा हमारा दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके बीच का एक अपरिमेय संख्या। ठीक, इसी प्रकार ये आ गया। तो अब ये
इसमें और तो हमारा ये एक ये आ गया ठीक, एक परिमेय संख्या ये हो गया ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके और वर्गमूल तीन, क्योंकि ये तो तीन से छोटा होगा और दो से बड़ा होगा, दो से बड़ा होगा और तीन से छोटा होगा, तो आप क्या कीजिए कि इसमें इसको जोड़ के, इन दोनों को जोड़ करके दो से भाग दीजिए, यानी कि इसको आर मान लो और इसको एस मान लो और दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दो, तो हमारा एक और परिमेय संख्या आ जाएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आर मान लेते हैं, तो आर प्लस में एस अपॉन में टू हो जाएगा, तो इसको मैं आर मान लेता हूँ, तो वर्गमूल दो प्लस में वर्गमूल तीन बटे में दो, बटे में दो, और फिर इसके जमा में हो जाएगा वर्गमूल तीन और बटा में हो जाएगा दो, तो इसके बीच का ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। क्या था, वर्गमूल दो प्लस में वर्गमूल तीन भाग में दो प्लस में वर्गमूल तीन और बटे में दो। अब क्या होगा, इसको ये जो है हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है इसके साथ भाग हो रहा है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्गमूल तीन, तीन प्लस में दो प्लस में तीन और भाग में दो, ठीक है। हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों को भी भाग दे रहा है ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगर आपको और इसको सोल्यूशन करना है तो और भी ये बहुत आगे तक सॉल्व होगा ठीक है। तो चलिए मैं इसको और आगे तक सॉल्व करके दिखाता हूँ, खैर सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एक परिमेय संख्या इसके बीच में ये हो जाएगा ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके साथ भाग दे रहा है ना, भाग हो रहा है, तो यहाँ पर इसके अपॉन में एक रख लीजिए। आप चौथी क्लास में, कि चौथी में नहीं छठी की सातवीं क्लास में पढ़ रखे होंगे कि जब ये भाग होता है तो ऊपर ये ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर जा करके गुना हो जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वर्गमूल तीन प्लस में वर्गमूल तीन भाग में दो जमा में वर्गमूल तीन गुणा में एक बटा में दो ठीक है। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तो फिर ये हमारा हो जाएगा दो दूनी चार ठीक। एक बार इससे होगा तो ये हमारा हो जाएगा दो वर्गमूल तीन जमा में दो दूनी चार जमा में वर्गमूल तीन दो ठीक है। ये किस इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे ठीक है। एलसीएम तो इनका एलसीएम हो जाएगा दो, दूनी सॉरी चार होगा इसका एलसीएम है ना, एलसीएम चार और दो का एलसीएम लेंगे तो दो दूनी चार, दो एकाम दो, दो 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 चार आ जाएगा ठीक है। सॉरी इसका एलसीएम जो है हमारा चार आ जाएगा ठीक, इन दोनों का एलसीएम हमारा चार आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे भाग करेंगे तो यही आएगा दो प्लस में तीन और आगे जो है तीन बटा में दो जो है, तो दो को इससे भाग करेंगे दो आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस में दो बटे में तीन रूट दो ठीक। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ओके। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा ठीक है, ये दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगी इसके बीच ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। इससे आगे भी हो सकता है तो सॉल्व हो, तो जब तक इतना ही, यही एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या इनके बीच। तो एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा ठीक, और एक अपरिमेय संख्या जो है कहाँ था, ये देखिए एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा ठीक। या तो आप ये वाला कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा आसान है कमेंट करके ज़रूर बताइए ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।